बच्चों, 16 फरवरी यानी आज ही के दिन 1944 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक, भारतीय सिनेमा के पितामह की तरह माने जाने वाले दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था, किंतु वह दादा साहब फाल्के के नाम से प्रसिद्ध थे। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के वे अध्यापक थे, अतः इनकी शिक्षा मुंबई में ही हुई। वहां उन्होंने हाई स्कूल के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ग्रहण की, फिर बड़ौदा के कला भवन में रहकर अपनी कला का ज्ञान बढ़ाया। कुछ समय तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में काम करने के बाद उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला। प्रेस के लिए नई मशीनें खरीदने के लिए वे जर्मनी भी गए। उन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, परंतु इस सबसे दादा साहब फाल्के को संतोष नहीं हुआ। सन 1911 की बात है, दादा साहब को मुंबई में ईसा मसीह के जीवन पर बनी एक फिल्म देखने का मौका मिला। वह मूक फिल्मों का जमाना था। दादा साहब ने फिल्म को देखकर सोचा कि ऐसी फिल्म हमें अपने देश के महापुरुषों के जीवन पर भी बनानी चाहिए। यहीं से उनके जीवन की धारा बदल गई। आरंभिक प्रयोग करने के बाद वे लंदन गए और वहां पर 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीक समझी और फिल्म निर्माण का सामान लेकर भारत लौटे। तत्पश्चात 1912 में दादर में फाल्के फिल्म नाम की अपनी फिल्म कंपनी आरंभ की। धुंधीराज गोविंद फाल्के ने फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन आदि विविध क्षेत्रों में भारतीय सिनेमा को अपना योगदान दिया था। उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 को बंबई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फिल्म बनाई थी। 20 वर्षों में उन्होंने कुल 95 यानी 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाई थी, शॉर्ट फिल्म्स। दादा साहब फाल्के के फिल्म निर्माण की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी फिल्में बंबई के बजाय नासिक में बनाई। वर्ष 1913 में उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं दुर्गा गोखले और कमला गोखले ने महिला किरदार निभाया। इससे पहले पुरुष ही महिला किरदार निभाया करते थे। 1917 तक वे 23 फिल्में बना चुके थे। उनकी इस सफलता से कुछ व्यवसायी इस उद्योग की ओर आकृष्ट हुए और दादा साहब की साझेदारी से हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी की स्थापना हुई। दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें से 3/4 उन्हीं की लिखी और निर्देशित थी। दादा साहब की अंतिम मूक फिल्म सेतु बंधन 1932 में थी, जिसे बाद में डब करके आवाज दी गई। उस समय डब करना भी एक शुरुआती प्रयोग था। दादा साहब ने जो एकमात्र बोलती फिल्म बनाई, उसका नाम गंगावतरण है। याद रखिए, दादा साहब ने जो एकमात्र बोलती फिल्म बनाई, उसका नाम गंगावतरण है। राजा हरिश्चंद्र की कामयाबी के बाद फाल्के ने नासिक जाने का निर्णय लिया। नासिक में आकर फाल्के ने अगली फिल्म मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान का निर्माण किया। मोहिनी भस्मासुर में पहली महिला कलाकार दुर्गा खोटे और कमला गोखले ने काम किया। फिल्मों के हिट होने से फाल्के लोकप्रिय हुए और अब से हरेक फिल्म में 20 प्रिंट जारी होने लगे। उस समय की परिस्थितियों में यह एक महान उपलब्धि थी। इन फिल्मों में कुशल तकनीक के रूप में स्पेशल इफेक्ट अर्थात विशेष प्रभाव का रचनात्मक प्रयोग था। विशेष प्रभाव ट्रिक फोटोग्राफी का प्रयोग दर्शकों के आकर्षण का कारण बना। यह क्रांतिकारी पहल थी। फाल्के तत्कालीन फिल्म उपकरणों को बेहद सजग होकर देखते थे। सन 1914 में फिर से लंदन गए। लंदन से लौटकर फाल्के ने सन 1917 में नासिक में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी स्थापित कर हुए अनेक फिल्में बनाई। उनकी प्रमुख फिल्में हैं
1913 में राजा हरिश्चंद्र, 1914 में सत्यवान सावित्री, 1917 में लंका दहन, 1918 में श्री कृष्ण जन्म, 1919 में कालिया मर्दन, 1920 में कंस वध, 1920 में शकुंतला, 1921 में संत तुकाराम, 1923 में भक्त गोरा। इसके अलावा 100 से ज्यादा फिल्में उन्होंने बनाई। फाल्के पर जॉर्ज मेलिस का स्पष्ट प्रभाव देखा गया। उनमें दृश्य निर्माण की सुलझी हुई संवेदना के साथ प्रशंसनीय तकनीकी ज्ञान भी था। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने जब भारत की पहली फीचर फिल्म बनाने की तैयारी की तो फिल्म की नायिका उनके लिए गंभीर समस्या बन गई थी। सन 1913 में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र में तारामती की विशेष भूमिका थी। फाल्के की इच्छा थी कि नायिका की भूमिका में कोई युवती ही रहे। इसके लिए पहले उन्होंने नाटक मंडली से जुड़ी अभिनेत्रियों से बात की, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं थी। यहां तक कि दादा साहब ने हीरोइन की खोज के लिए इश्तहार भी बंटवाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब तारामती की भूमिका के लिए अंततः कोई कलाकार नहीं मिला तो वे विवश होकर फाल्के कोठे वालियों के पास पहुंचे, उनसे हीरोइन बनने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने भी टकासा जवाब दे दिया। हार कर दादा साहब ने फैसला किया कि किसी पुरुष से ही तारामती की भूमिका कराएंगे और उसी पल कलाकार की तलाश शुरू कर दी। तभी एक दिन उन्हें एक ईरानी के रेस्तरां में एक रसोईया नजर आया। दादा ने रसोईया से बात की, कहने सुनने के बाद वह काम करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दादा साहब फाल्के की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल रिहर्सल के बाद जब शूटिंग का समय आया तो निर्माता निर्देशक फाल्के ने रसोइये से कहा, कल से शूटिंग करेंगे, तुम अपनी मूछें साफ करा कर आना। दादा की यह बात सुनकर रसोइया, जो हीरोइन का रोल करने वाला था, चौंक गया। उसने जवाब दिया, मैं मूछें कैसे साफ करा सकता हूँ, मूछें तो मर्द मराठा की शान है। रसोइये की बातें सुनकर दादा फाल्के ने समझाया, भला मूछ वाली तारामती कैसे बनोगे, वह तो नारी है और नारी की कोई मूछ नहीं होती। फिर मूछ का क्या, शूटिंग पूरी होने के बाद रख लेना। काफी समझाने के बाद रसोइया मूछ साफ कराने के लिए तैयार हुआ। वह रसोइया जो भारत की पहली फीचर फिल्म की पहली हीरोइन बन रहा था, उसका नाम था सालूके। वर्ष 1969 में भारतीय सिनेमा की और फाल्के के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में दादा साहब फाल्के सम्मान शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्तर का यह सर्वोच्च सिने पुरस्कार सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। उनकी स्मृति में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। भारत में फिल्म निर्माण में फाल्के साहब के पूरे परिवार ने योगदान दिया। विश्व युद्ध के दौरान फाल्के के सामने एक वक्त ऐसा आया जब वो पाई पाई के मोहताज हो गए। उस वक्त वो श्रियाल चरित्र का निर्माण कर रहे थे। उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। मेरी कहानी मेरी जुबानी में फाल्के साहब ने लिखा कि उस वक्त उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने आगे बढ़कर उनसे कहा, इतने से परेशान क्यों होते हो, क्या चांगुड़ा का काम मैं नहीं कर सकती, आप निर्जीव तीलियां पर्दे पर नचाते हैं, फिर मैं तो मानव हूं, आप मुझे सिखाइए, मैं चांगुड़ा का काम करती हूं, लेकिन श्रियाल आप बनाइए। इस फिल्म में बालक चिलिया की भूमिका दादा साहब फाल्के के बड़े बेटे निभा रहे थे। 19 साल के अपने करियर में दादा साहब ने कुल 95 फिल्म्स बनाई।